नमस्कार। आज आपको क्या सुनाएं चैनल आज आपके लिए एक दुर्लभ पेशकश लेकर आया है। हमेशा की तरह फिर से कुछ नया प्रस्तुत करने की प्रबल इच्छा और साथ में ही ईश्वर का आशीर्वाद होने से ही शायद ये संभव हो पाता है। पिछले कुछ दिनों से मुझे आपको कुछ बताने का मन है, सोचा आज बता ही दूं। हमारी कोशिश रहती है कि आपको गायक, गीतकार, संगीतकार के बारे में बताएं और वो भी सिर्फ 2.5 से 3 मिनट में। एक एक गायक, गीतकार, संगीतकार स्वयं एक संस्था या एक ग्रंथ के बराबर हैं। इंग्लिश में एक कहावत है ना, अ बुक कैन नॉट बी जस्ट बाय इट्स कवर। सही कहा है। तो इसीलिए हम भी उन ग्रंथों के अंदर झांक आते हैं और फिर वही आपसे साझा करते हैं। अगर कभी प्रस्तावना इस वजह से अधिक समय ले लेती हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अभी हाल ही में हमारे एक मित्रगण ने एक सवाल किया कि आज के समय में जब सारा विश्व एक पटल पर आ गया है तो इंटरनेट के इस युग में शास्त्रीय संगीत में गुरु शिष्य परंपरा और घरानों का क्या महत्व रह जाता है। क्या सोच रहे हैं आप? अरे अरे, डरिए नहीं, मैं यहाँ कोई शास्त्रीय संगीत पर प्रदीर्घ चर्चा करने के मूड में नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इतना बता रही हूँ कि इस संबंध में हमारी चर्चा में जो एक नाम आगे आया वह था पंडित उल्लास कशालकर जी का। नागपुर के पास जन्मे उल्लास जी ने प्रारंभिक तालीम पंडित राम मराठे राजाबाऊ कोगजे से ली और उसके बाद वे गजानन बुआ जोशी जी के गुरुकुल में दाखिल हुए। ग्वालियर, आगरा, जयपुर घरानों की शैली में गाने वाले कशालकर जी सदैव ही एक प्रयोगशील गायक रहे हैं। उन्हें पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तानसेन सम्मान जैसे सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। हर घराने की अच्छाइयाँ सीखें, प्रयोग करें और अपने संगीत को और समृद्ध बनाएं, यही सीख वे अपने शिष्यों को देते आए हैं। उनका ये मानना है कि संगीत में रुचि रखने वाले अधिक श्रोताओं से जुड़ने में सुगम संगीत एवं भजन बहुत अधिक भूमिका निभाते हैं। आज के संगीतकार भी उतने ही सम्माननीय हैं, आदरणीय श्री श्री निवास खले जी। पद्मभूषण खले जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सारी सूची तो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ सकती, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इससे उन पुरस्कारों का मान बढ़ा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। संगीत क्षेत्र में 65 वर्षों से भी अधिक समय तक कार्यरत रहने वाले खले जी के बारे में बताने के लिए मैं खुद को बहुत ही छोटा पाती हूँ। एक ऋषि से कम नहीं थे आदरणीय खले जी। उनके कार्यकाल के उत्तरार्ध में मुझे याद है कि एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि उन दिनों चाय का एक कप पकड़ना भी उनके लिए कठिन था पार्किंसंस की वजह से, लेकिन हारमोनियम जैसे ही सामने आ जाता था तो साक्षात माँ सरस्वती का जैसे आशीर्वाद था, उंगलियाँ अपने आप ही चलने लगती थी। समय का ख्याल करते हुए अधिक जानकारी रखते हैं हम किसी और दिन के लिए, विशेष रूप से जिस दिन हम खले साहब का एक मराठी गीत आपको सुनवाएंगे। आपका अधिक समय ना लेते हुए बढ़ते हैं आज के भजन की तरफ। कृष्ण भगवान के प्रेम में लीन मीरा जी के इस भजन की खासियत है कि ये दो रागों पर आधारित है, राग यमन एवं राग मारवा। सुनते हैं सुनील जी से। ईश्वरी प्रेम में आप डूबें, आनंद लें, मित्र परिवार को भी आनंद दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन भी निसंकोच होकर दबाएं। धन्यवाद। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तजिनाच
संगति रसीली जाची मैं तो
सावर के रंग नाची, मैं तो सावर के रंग नाची, मैं तो सावर के रंग नाची, मैं तो सावर के रंग नाची। साज सिंगार साज सिंगार साज सिंगार साज सिंगार बांधे पग घुंघरू साज सिंगार बांधे पग घुंघरू लोक लाज तजीना ची, मैं तो सावर के रंग राची, मैं तो सावर के रंग राची, मैं तो सावर के रंग राची, मैं तो सावर के रंग थैंक्स फॉर लिसनिंग और आशा करता हूँ कि ये गाना आपको जरूर पसंद आएगा।